तत्धर्म से तत्वमिति चिन्ह घटत्वादि का एक धर्म विशेष का नाम भेद है और वही अवधि की अपेक्षा रखेगा। यदि चिन्ह तथा ही न द्वितीय, यही द्वितीय कल्प है और वह युक्त नहीं है। यदि भी आगे फिर से कहेंगे नापि द्वितीय, ये जो अब बीच में तुमने कहा है यह वास्तव में द्वितीय कल्प का ही स्वरूप है। सैव सापेक्ष प्रतिपत्तिर्भेदो न तो घटत्वादि घटत्वादि सभेद सियाद तद्धर्मकत्वात्। ये बात ऐसा हो जाएगा कि जिसकी सापेक्ष प्रतिपत्ति है, सापेक्ष प्रतिपत्तिर यस्य सैव भेद वस्तु, उसको फिर भेद मान लो। जिसकी सापेक्षता से प्रतिपत्ति मान रहे हो उसको भेद मानिए, अलग से बीच घटत्व क्यों मानना, न तो घटत्वादी। इसे घटत्वादी को भेद मानने से क्या लाभ होगा, नहीं माने। घटत्वादिष्ट से भेद सियात, यानी वह भेद घटत्वादी का धर्म होने से घटत्वादी का ही हुआ। जो जिसका धर्म है उसी का होगा ना, अन्य का कहाँ से हो जाएगा वो भेद। घटत्वादिश्च मैंने घटत्वादियों का ही सभेद सियात तद्धर्मकत्वात्, क्योंकि घटत्व का धर्म है वो, जो जिसका धर्म है वो उसी का होएगा, दूसरे का तो हो नहीं सकता। और घटादिस्त भेद परिणयोग है तद विधान असंगतम, और हमने घटादि के भेद का पूछा और घटत्व के भेद को बता रहे हो, इसे क्या लेना देना। हमने पूछा कुछ और जवाब कुछ और दे रहे हो, कि हमने घट के भेद पूछा और अब घटत्व के भेद बता रहे हो, ये तो अनुचित जवाब है। कथंच भिन्न अनुगत व्यवहार सियात, यो कहता है घटत्व पटत्व आदि प्रत्येक वृत्ति धर्म का नाम भेद है, केवल घटत्व में वृत्ति नहीं। अतः वो घटत्व में रहेगा घट में नहीं रहेगा, ये आप जो बात कहे, हमने पूछा घट का भेद और घटत्व का में रहने वाला धर्म को बता रहे हो, ये ठीक नहीं आप कह रहे हो, ऐसा नहीं है। हम जो बता रहे भेद वो केवल घटत्व में रहने वाला धर्म नहीं है, घटत्व पटत्व मटत्व सब में रहने वाला धर्म है। ऐसे एक व्यापक धर्म ले रहा हूँ जो घटत्वादि सकल में रहने से वो घट का भेदक बन जाएगा, पट का भेदक बन जाएगा, सबका भेदक बन जाएगा। कहते प्रत्येक में रहता है घटत पटत्वादि, प्रत्येक वृत्ति धर्म का नाम भेद है, और उस धर्म के एक एक निष्ठ होने से अनुगत भेद बुद्धि या भेद व्यवहार कैसे होगा, सिद्धांत पूछ रहा है। भिन्नैर अनुगत व्यवहार खत्म सियात, वो अलग अलग हो गया ना, फिर एक अनुगत व्यवहार कैसे होगा भेद का। घट में रहने वाला पट में सब भेद अलग अलग है, और आप घटत पट से मेरे एक भेद कह रहे हो, एक भेद का प्रत्येक भिन्न भिन्न भेदों को लेकर के अनुगत व्यवहार कैसे हो सकता है। अनुगत प्रतियोगी भिन्न भिन्न है हर चीज के, तो भेद व्यवहार कैसे हो पाएगा। तथापि तथा सती वा किन्न तेरेव तदाद व्यवहार उपस्यात, यदि पूर्व पक्ष कहता है फिर भी सर्वत्र अनुगत भेद न होने पर भी अनुगत भेद व्यवहार हो जाएगा उसी से। घटत्वादियों में रहने वाला एक धर्म जिसको हम भेद कह रहे हैं उसी से व्यवहार हो जाएगा, भले अनुगत प्रतीति न हो लेकिन अनुगत व्यवहार हो जाएगा। यदि ऐसा कहते तो जिससे व्यवहार हो रहा है उसको भेद मान लो, क्या जरूरत फिर जाति आदि को भी मानने की। हम मान्य तो दोष दूंगा ना, आप घटत तो जाति क्यों मान रहे हैं घट में अनुगत व्यवहार के लिए, और अनुगत प्रतीति के बिना अनुगत व्यवहार कर सकते हो, फिर जाति के बिना भी हम कर सकते हैं। घटादि व्यवहार अनुगत व्यवहार हो जाएगा, यहाँ घट जैसे आया घटत्वादि भेद रूप धर्म के बिना भी, उसके अनुगत प्रतीति के बिना भी अनुगत व्यवहार हो सकता है, तो घटत्वादि का अनुपति अनुगत प्रतीति के बिना भी घटादि व्यवहार हो जाएगा, फिर जाति का ही उच्छेद हो जाएगा। वही समझा रहे तथा सती, फिर भी कहते नहीं अनुगत प्रतीति भले ही ना हो लेकिन अनुगत व्यवहार हो जाएगा, तो किन्न तैरेव तदादि व्यवहार उपस्यात, उस उन्हीं के द्वारा वह भेदादि व्यवहार क्यों नहीं होगा। कहने का अभिप्राय यहाँ पर हम घटत्वादि के भी अनुगत प्रतीति के बिना, सकल घटों में घटत्व के अनुगत प्रतीति के बिना घट द्वार हम कर लेंगे। यदि ऐसा कहोगे फिर तो घटत्व जाति मन की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगा, ये आपत्ति है। अनुगत गोत्वादि के बिना भी अनुगत गवादि व्यवहार हो जाएगा, ऐसे ही कह रहे हैं गोत्वादि के जातियों की कल्पना व्यर्थ हो जाएगी। नापि द्वितीय,
भेद अन्य कोई धर्म है ऐसा मानता हूँ, कदे नहीं हो सकता। ये जितकल्प युक्त है कारण वैसे धर्म को अन्य अनुभव ही हो सकता है, उससे बिन कोई दूसरा हो नहीं सकता। अनपिप का मात वैसे आप खुद ही अन्य अनुभव से अलग कोई धर्म रूपेण स्वीकार नहीं करते हो, क्यों जो भी आप अन्य धर्म कह रहे हो वो अन्योन्य भाव ही होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। यदि उससे अतिरिक्त कुछ कहने लगो फिर सप्त पदार्था नाम अनंतर भाव प्रसंगात, क्योंकि अन्योन्य भाव खंडित होने से उसका स्वीकार भी संभव नहीं है। इसीलिए अन्योन्य भाव से भिन्न ऐसा कोई धर्म आप नहीं मान सकते। यदि मान भी लोगे तो फिर सप्त पदार्थ से भिन्न पदार्थ मानना पड़ जाएगा। तो समस्या क्या होगा, जो सप्त पदार्थों में रहे और भेद व्यवहार के योग्य हो ऐसा अलग मानना, अपने आठवां पदार्थ मानना पड़ेगा जो सप्त पदार्थों में परसर भेद के लिए आवश्यक है। यह आपत्ति आ जाएगी, सप्त पदार्था नाम अनंतर भाव मैंने अतिरिक्त स्वीकार करना पड़ेगा। स्वात्निवृत्तिया वृत्तिभ्याम अनुपत्तेश्च, एक और आपत्ति है, हम ये पूछना चाहेंगे वो जो भेद है मान भी लिया जाए आठवां है, वह इन सातों से अपने आप का भेद सिद्ध करेगा कि नहीं करेगा। ये सातों पदार्थ से भाई भिन्न हूँ तो उस भेद में आठवां जो भेद था उसमें खुद भेद है या नहीं, उन सातों का भेद उसमें मानोगे कि नहीं मानोगे। यदि है कहोगे तो आपत्ति, नहीं है कहोगे तो आपत्ति। वही समझा रहे स्वात्मनि तो वृत्ति अवृत्तिभ्याम अनुपपत्तेश्च, खुद में उसकी वृत्ति मानोगे कि नहीं मानोगे, ये नहीं है वृत्ति मानोगे, यदि रहता है तो वही भेद रहता है या अन्य भेद रहेगा पूछूंगा, खुद में खुद रह रहा है या दूसरा रह रहा है। भेद में भेद है आपने कहा, वो कौन सा भेद, भेद में रहने वाला भेद वो खुद है या दूसरा, खुद है तो आत्मसर्व दोष, ये दूसरा है तो अनवस्था दोष आ जाएगा। इस तरह से वृत्ति मानने में आपत्ति है। तो यदि कहो फिर उसमें रहता ही नहीं है, अवृत्ति कहोगे फिर तो सात से बिन आठवां ये कहीं नहीं पाओगे, क्योंकि खुद में भेदत्व नहीं है, मैंने सात अंतर्वर्ती मानना पड़ेगा। ये सातों से अलग हो तो आठवां कहा जाएगा ना, यदि अलगत्व का अलग करने के लिए उसे भेद मानना पड़ेगा, वो भेद नहीं है कह रहे हो इसका मतलब वो अलग ही नहीं है। अरे घट में पट का भेद मानोगे तो घट पट से भिन्न होगा, यदि घट में कोई भेद ही नहीं कहोगे घट पट अभिन्न हो गया, सर्वाभेद सिद्ध हो जाएगा, ये आपत्ति है नहीं कहोगे तो। तब वो कहेगा ईदृशंच उपाध्य आलीढ़ वैचित्र्याणाम जात्या समर्थने, शब्द पदार्थों में वृत्ति भेद को जाति ही क्यों न माने। वो कहता है उपाध्यालीढ़ वैचित्र्याणाम जात्या एव समर्थने, ईदृशांच उपाध्यालीढ़ वैचित्र्याणाम घटभेद पटे मे क्या है, घटपट आदि उपाधि को लेकर के ही, उपाधि से आलीढ़ मने संस्पृष्ट जो वैचित्रता आ रही है उसके प्रति हम जाति को ही क्यों न कारण माने। मैंने फिर लौटा घटत जाति को ही भेद मान लो, कहने का अभिप्राय क्या है, लौट गया वो घटत जाति को ही भेद मानो। ऐसा करने लगोगे सर्वोपाधि उपधानानाम जातिव समर्थनम स्यात्, फिर से क्या होगा प्रतियोगित्व अधिकरणत्वादि रूप उपाधियों से जिसमें वैचित्र्य है ऐसे भेद को भी यदि जाति माने तो प्रमेयत्वादियों को भी जाति मान लेंगे हम, फिर उपाधि का ही उच्छेद हो जाएगा, फिर उपाधियों की आवश्यकता क्या रह गया, जो उपाधियों से वैचित्रता आ रहा है वह जाति से ही निभाने लगोगे सर्वत्र, फिर हम कहेंगे प्रमेयत्वादि को भी जाति कह दो उपाधि मानने की जरूरत ही नहीं, फिर प्रमेयत्व के आधार पर ही तो वहाँ भी भेद कर रहे हो आप, घटादि में प्रमेयत्व है प्रमा में भी प्रमेयत्व है, व्यवसाय ज्ञान अनुव्यवसाय ज्ञान का विषय उसमें भी प्रमेयत्व रहेगा, फिर जाति क्यों नहीं मानो उसमें, उपाधि क्यों मानोगे। तो ज्ञान और घट का भेद सिद्ध कर रहा है प्रमेयत्व को ही मान लो, जैसे घटपट का भेद कौन सिद्ध कर रहा है अपने का घटत्व कर रहा है, वैसे यहां भी कह दूंगा। इसलिए जाति से सर्वत्र व्यवस्था बन जाएगी,
फिर उपाधियों को मानव की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगा, उपाधियों का उच्छेद हो जाएगी, आपत्ति है। ननु घटत्व एव भेद, फिर भी जोड़ देते घटत्व आदि को ही भेद मान लो। घटत्व आदि के ज्ञान में विशेषण न होने पर प्रतियोगी ज्ञान रूप सहकार की अपेक्षा से विचित्र व्यवहार की उत्पत्ति हो जाएगी। यदि घटत्वादि के ज्ञान में भले कोई अंतर नहीं पड़ेगा, विशेषण ही है, यह घट और वह घट दोनों घट है, दोनों में घटत्व है, और दोनों घट में भेद कैसे सिद्ध करोगे? जाति से तो सिद्ध नहीं होगा, तब कहते वहां भी सिद्ध हम कर देंगे, एक घट को अनियोगी दूसरे घट को प्रतियोगी कहा तो। घटत्वाचिन प्रतियोगियात्मक घट अलग है, घटत्वाचिन अनियोगितात्मक घट अलग है, इसलिए एक दूसरे का भेद आ जाएगा। भले घटत्व अनेक घटों में है और उसका घटों का परस्पर भेद घटत्व से कैसे सिद्ध होगा, ये आपको कहना होगा। एक घटत्व पट में नहीं है, पटत्व घट में नहीं है, तो घटपट में भी तो घटत्व पटत्व सिद्ध कर सकते हैं, इन अनेक घटों में परस्पर भेद कौन सिद्ध करेगा? घटत्व से तो हो नहीं पाएगा, सब बराबर है वो। तब कहते वहां पर भी अनियोगिता प्रतियोगिता अधिकरणता आधेयता इत्यादि कुछ घुसा दो, उसके मन से भेद कर लो। ये तत्त ऐसे विशेषण दे दो, ये तत्घट तत्घट कह दो, ये तत्घट तत्घटत्व आ जाएगा, भेद हो जाएगा। इस तरह से कुछ न कुछ विशेषण के द्वारा भेद व्यवहार हम कर लेंगे। घटत्वादि ज्ञान अविशेष्य अपि, वही समझा रहा है, घटत्वादि का ज्ञान में संबंधित होने पर भी प्रतियोगी ज्ञान सहकारी वशात, प्रतियोगी अनियोगी अधिकरण आदि इत्यादि सहकारी वशात विचित्र व्यवहार उत्पत्ति, व्यवहार वैचित्रता उत्पन्न हो जाएगा। इति चिन्नो, व्यवहार सत्यत्वार्थम वास्तव अनुगत विशेष से अवश्यम स्वीकर्तव्य तथा परिनियोग अनुवृत्ते है। घट इत्याकारक तथा घटाद भिन्ना पट, ये दोनों सही है नहीं, अयं घट पटाद भिन्न घट, दोनों में घटा विशेष है, ये नहीं, एक तो पट व्यावृत घट है और एक केवल घटत्वाचिन घट है, इन दोनों में अंतर कैसे करोगे? इत्याकार दो प्रकार के व्यवहार देखे जाते हैं, उन व्यवहारों की सत्यता के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वास्तविक अर्थगत विशेष कुछ न कुछ अवश्य मानना पड़ेगा। कहते व्यवहार सत्यत्वार्थम आपको वास्तविक एक अनुगत विशेष को स्वीकार करना होगा, अवश्य स्वीकर्तव्यत्व तथा परिणय अनुवृत्ते है। अब हम कहते हैं वह उस विशेष को मानोगे कि नहीं मानोगे? तथ्य प्रयोग वृत्ति अवृत्ति जैसे पहले कहा, सो मानोगे कि नहीं मानोगे? यदि जिस विशेष को मान रहे हो उसी विशेष से भेद सिद्ध हो जाएगा, अलग से अन्य भाव मानने की क्या जरूरत है, भेद मानने की क्या जरूरत है? वही कहते तथा वह परिनियोग अनुवृत्त है। यदि कहोगे हम नहीं मानेंगे फिर, तो दोनों में से एक व्यवहार असत्य हो जाएगा। या तो इसमें मानोगे तो उसमें मानो, अयंगट में मानो ये पटाल भिन्न घटा में मानोगे, एक में जो मानोगे दूसरे में नहीं हो सकता, जो दूसरे में मानोगे पहले में नहीं हो सकता, तो एक में वास्तविक होगा तो दूसरे में क्या हो जाएगा, वो मिथ्या हो जाएगा। मानने पर भी ये समस्या हो जाएगी, जो एक में मानोगे वो दूसरे में नहीं हो सकता, क्यों खुद ही कह रहे हो अनुगत व्यवहार के स्वीकार का अनुगत धर्म विशेष मानूंगा, और अयं घटा में जो होगा वो पटाल भिन्न घटा में नहीं हो सकता, जो पटाल भिन्न घटा में है वो अयं घटा में नहीं होगा। तो एक वास्तविक चीज जब मानने लगोगे तो एक ही सत्य हो पाएगा, फिर दूसरा मिथ्या हो जाएगा, आपत्ति है। यदि कहो अर्थगत विशेष को मान लें तो वही भेद हो जाएगा, न माने तो दोनों में से एक व्यवहार असत्य हो जाएगा। एक व्यवहार मानोगे में नहीं मानोगे, दोनों में से एक ही सत्य होगा, एक असत्य हो जाएगा। यदि मान भी लेंगे दोनों भिन्न भिन्न हो जाएगा, वही भेद का कारक बन जाएगा, फिर वही भेद का कारक हो जाएगा, अलग से अन्योन्य भाव नाम के भेद मानने की क्या जरूरत है? तो घटत्वादि को भेद मानना व्यर्थ हो जाएगा, जिस को लेकर के अयं घटा और पटा भिन्न घटा में आप भेद मान रहे हो, वह धर्म विशेष को ही हम अन्योन्य भाव रूप मान लेंगे, भेद रूप मान लेंगे, फिर घटत्वादि को भेद रूप मानने की आवश्यकता नहीं रहेगा। अनंत भेद परंपरापगमेच्छा, और दूसरी बात, यदि भेद को अनंत माने, भेद कितने हैं? अनंत भेद है, एक ही घट में
पट वेद भी है, मठ वेद भी है, जल भेद भी है, रस वेद भी है, रूप वेद भी है, भाई बहुत सारे वेद हैं। जितने तुम्हारे पदार्थ हैं वो सारे का भेद मिलेगा ना। स्व का भेद स्व में नहीं होता, उससे भी सब का भेद आ गया ना। आप घट में भेद देख रहे हो, पट का पटाद भिन्न घट हो, और उस घट के पट का ही भेद है क्या? नियम क्या है? स्व में स्व का भेद नहीं होता, किंतु स्व से भिन्न सारे संसार का भेद है ना। और संसार में कितने हैं चीज? दो चार पांच है क्या? अनंत है। फिर अनंत भेद मानना पड़ेगा उसमें। एक ही में अनेक भेद आ जाएगा। एक ही घट में पट भेद भी है, मठ भेद भी है, रस भेद भी है, रूप भेद भी है, गंध भेद, ऐसे करके सैकड़ों भेद आप उसके अंदर देख सकते हैं, अनंत भेद देख सकते हैं। अनंत भेद परंपरा में, और यदि परंपरा स्वीकार करोगे, पहले हो गया यदि भेद को अनंत माने, यदि भेद को अनंत माने तो वह भेद परंपरा आप बताओ मुझे तत्क्रमशज्ञ है या युगपत ज्ञ? सारे भेद को अक्रम से जान पाते हो या एक झटके में जान लेते हो सारे को? इस घट में सारे संसार का भेद है, ऐसे कैसे जाना आपने? क्रम से जाना, आपने देखा घट में इसका भेद, उसका भेद, उसका भेद, उसका भेद, उसका भेद, सारे संसार का हरेक पदार्थों का भेद आपने क्रम से देखा है क्या? यह युगपत ग्रहण हुआ? दोनों नहीं हो सकता, क्रम से तो ग्रहण ही नहीं कर सकता, असंभव है। वही समझा रहे तद क्रम ज्ञेयतायाम प्रतीति अपर्यवसान, अर्थात क्रम से जानने लगोगे फिर उन भेदों का तो पर्यवसान ही नहीं होगा, मैंने जान ही नहीं पाओगे सबको आप। अनंत काम कौन गिन सकता है? कोई नहीं गिन सकता। जैसे परमात्मा का है गुणों को जैसे कोई गिन नहीं सकता, आप पृथ्वी के प्रत्येक कण को भी गिन सकते हैं लेकिन परमात्मा गुणों को नहीं गिन सकते, ऐसा होता है ना पौराणिकों ने कहा। उस तरह से अनंत वेद जब है आप क्रमशः सकल वेदों को कैसे जान पाएंगे? आप वेद का परिवसान ही नहीं होगा, इतना है ऐसा आप समाप्त नहीं कर पाओगे। तद युगपद जेतायाम, और तो फिर युगपद जाएंगे जान लेंगे हम अत्यंत सदृशतया, फिर ये कहना पड़ेगा युगपद तभी जान पाओगे तब तो अत्यंत सदृश होगा, विसदृश को तो कैसे जानेंगे आप? और अत्यंत सदृश मान लेंगे आप तो कसचित अन्य वेद से अन्यधीयतया ग्रहण संभवत, फिर घट में पट भेद के जरूर मठ भेद ग्रहण कर लूंगा। सब सदृश है ना, किसी का भेद किसी में भी किसी को भी ग्रहण कर लो फिर यह आपत्ति हो जाएगा। कसचित अन्य भेद से अन्यधीयतया, मैंने पट भेद को मठ भेद रूपेण, मठ भेद को पट भेद रूपेण आप घट में देखने लग जाएंगे। ग्रहण संभवत संभवादिना सर्वत्र प्रामाण्य अनाश्वास प्रसंगत, कहीं भी प्रामाण्यता पर विश्वास ही नहीं रह जाएगा, कहाँ किसका भेद कोई व्यवस्था ही नहीं रह गई। अव्यवस्था होने से उस भेद पर विश्वास कौन करेगा? सर्व प्रतीति नियम अनंगीकारे, और दूसरी बात वो कहता है ऐसा है तीन चार ही जानेगा आदमी, जितनी जरूरत उतने तो जानने का प्रयास करेगा, क्यों जानने का प्रयास करे पूरे को? सकल भेदों को कौन जानेगा? करें कल भेदों का ज्ञान मान ले तो सभी भेदों के सदृश होने से किससे कौन भिन्न है नहीं जान पाएंगे। सर्वत्र अनाश्वास होगा तो वो कहता है ऐसा है फिर तीन या चार भेदों को ही ग्रहण करेगा, सारे भेद परंपरा को क्यों ग्रहण करें? जितनी कोटि तक जाने की उसकी जरूरत है उतनी जाएगा, आवश्यकता के अनुसार चला जाएगा, ज्यादा क्यों जाएगा? तब कहते सर्व प्रतीति नियम अनंगीकारे, तो सिद्धांत कहता है भेद परंपरा में सकल की प्रतीति को स्वीकार नहीं करते हो तो अप्रतीत सत्वे प्रमाणाभावात, जिस भेद का ग्रहण नहीं हुआ उसका स्व आश्रय से भेद होने पर मूल पर्यंत ही अभेद को उच्छेद हो जाएगा। सबका भेद ग्रहण नहीं हुआ, दो चार के भेद ग्रहण की आवश्यकता अनुसार बोल रहे हो, फिर बाकी का क्या मानोगे आप? जो ग्रहण नहीं किया आपने अप्रतीत है उनका सत्व कहीं तो मानोगे? कहां मानेंगे? जिसमें कुछ का भेद मान रहे हो उसी में उसके सत्व स्वीकार करना पड़ेगा, जिसमें से स्वीकार उसके भिन्न या अभिन्न पूछूंगा कि भेद ग्रहण तो हुआ नहीं, भिन्न नहीं है बोलना पड़ेगा आपको, अभिन्न कहना पड़ जाएगा।
अभिन्न हो जाए, जैसे अन्य भेद उस अधिष्ठान से अभिन्न हो गए, जो जो आप दो चार ग्रहण कर रहे हो वो भी उससे अभिन्न हो जाएगा, ये सभी वेद अधिष्ठान से अभिन्न हो जाएंगे। या तो सकल भेद मानना पड़ेगा या तो कोई भेद नहीं मानना पड़ेगा। सकल मानने में असंभव दोष था, जैसे दो चार मानोगे तो अधिष्ठान से अभिन्न हो जाएगा वो। इसे ऐसा मान जिस भेद का ग्रहण नहीं हुआ उसका स्वाश्रय से अभेद मानना पड़ेगा ना आपको। जिसका जो भेद ग्रहण नहीं हो रहा है वो भेद क्या है वो अपने अधिकरण से अभिन्न है कहना पड़ेगा। ये भिन्न होता तो ग्रहण होता, इसे भिन्न नहीं है मैंने भेद नहीं है वहाँ, तभी ग्रहण नहीं हुआ, अप्रामाणिक हो जाएगा। वही करें तब जब मूल पर्यंत अभेद हो जाने पर भेद के प्रति अत्यंत अभाव हो जाएगा, भेद का ही अत्यंत अभाव हो जाएगा, तो भेद पर विश्वास जो होता वो समाप्त हो जाएगा, प्रमाणाभाव प्रमाण नहीं रह जाएगा उसके होने में। तब पूर्व पक्ष जिज्ञासायाम तसे तस्यापि चेत् पे, अरे उस काल में किन्हीं भेदों का ज्ञान की जिज्ञासा है, सकल भेद ज्ञान की जिज्ञासा है नहीं। अति उस आश्रम में सकल भेदों अन्य जो अज्ञात जो भेद अग्रहित जो भेद है वो सब अधिष्ठान बराबर होगा, अभेद हो जाएगा, कहाँ से दोष दे रहे हो। कोई भी भेद अपने अधिकरण के साथ अभेद नहीं हो जाएगा, क्योंकि जितनी की जिज्ञासा है जिज्ञासा तस्य तस्यापि चेत्त्वे, मैंने उस काल में किन्हीं भेदों का ज्ञान न होने पर भी जिज्ञासा होने पर जितनी जरूरत है क्रमशः उतने ही भेदों का ज्ञान उसको होता ही है। कहने का अभिप्राय उसका यह है किसी भी उपलब्ध, यह है कि जो कभी भी उपलब्ध नहीं होता वह असत होता है, उसको कैसे कह रहे हैं अपना अधिकरण रूप हो गया। अग्रहित भेदों को आपने अधिकरण से अभेद हो गया बोल कैसे आपने कह दिया, जो कभी गृहित ही नहीं होता वह अत्यंत असत होता है, और अधिकरण रूप कैसे हो जाएगा, सत कैसे हो जाएगा। से अत्यंत अग्रहित जो भेद है उनका अस्तित्व प्रमाण ही नहीं, वो असत है। जितने गृहित हो रहे भेद उतने को इसलिए मानना पड़ता है, और जिज्ञासा अनुसार व्यक्ति के अंदर जितनी जरूरत है उतनी ग्रहण करेगा, एक ही को ग्रहण कर लेगा, जरूरत है कि चार पांच तक भी जाने की, जरूरी नहीं है। जहाँ स्पष्ट कर लेना चाहता हो तो उसको भले ही वो अन्य अंग को भी देखेगा, दो चार को देख लेगा, नहीं तो जरूरत नहीं उसको सबको तक जाने के लिए। अनंत वेद नियमतः उपलब्ध नहीं होते ऐसी बात नहीं है, इसलिए अनंत वेद भी क्रमशः आज यहाँ कल वहाँ किसी और के, वो परसों वहाँ किसी और के, ऐसे क्रम से ग्रहण होते रहेगा। पूर्वपक्ष क्या ना, अनंत भेद होने पर ही कोई आपत्ति नहीं, इस समय जिसकी जिज्ञासा है वहाँ पर उसका ग्रहण हो गया, लेकिन अन्य ग्रहण ही नहीं होगा ये भी नहीं कह सकते, कभी ना कभी होते रहेगा, इसे होगा नहीं ऐसा आप नहीं कह सकते। किंतु वहाँ पर आपको कहना पड़ेगा भाई यद्यत विषय जिज्ञासा हो तत्व विषय भेद मात्र प्रतीत होता है, ऐसा नियम मान लेंगे। इनसे भेद का भान हो जाने से मूल पर्यंत अभेद की आपत्ति और प्रामाण्यता का अभाव से अनाश्वास की आपत्ति आप नहीं दे सकते। तब सिद्धांत कहता है तद्बुद्धि नाम भेद बुद्धित्वात् तदर्थेश अनुगतत्वस्यापि अनुपपत्या, उन सब भेद बुद्धियों के भेद बुद्धि होने से हम पूछ रहे हैं, आपने कहा अनेक भेद बुद्धि हो जाएगा, जितनी जिज्ञासा उतनी की भेद बुद्धि होगी, उन भेद बुद्धियों का भी परस्पर भेद मानोगे कि नहीं। वस्तुओं का भेद के लिए भेद ज्ञान उत्पन्न हुआ, लेकिन उन भेद ज्ञानों का भेद कौन ग्रहण करेगा, अनवस्था से बच नहीं पाओगे। वही कह रहे हैं उन सब भेद बुद्धियों के तद्बुद्धि नाम, तद्भेद बुद्धि नाम भेद बुद्धित्वात्, वे भेद बुद्धि होने के नाते तदर्थेषु होने से उनके विषय भेदों में अनुगत जो अनुगतत्वस्यापि अनुगत्व एक धर्म न मानने पर एकाकार बुद्धि नहीं होगा। ये सब भेद बुद्धि है ऐसे कैसे जानोगे आप, घट भेद ज्ञान पट भेद ज्ञान मठ भेद ज्ञान, इन सभी भेद ज्ञानों को हम भेद ज्ञानत्वेन कैसे ग्रहण करूँगा जब तक उनके विषयों में एक अनुगत धर्म नहीं मानोगे। मैंने घट पट मठ आदि सकल पदार्थों में एक अनुगत धर्म माने बिना उनके ज्ञानों में एकत्व बुद्धि नहीं हो सकती, ये सब भेद बुद्धि है ऐसा नहीं बोल पाओगे। तद अर्थेशु मैंने विशेषो अनुगत स्यापि अनुपत्य, एक अनुगत धर्म उपन्न नहीं हो सकता, तेषु एक जात्याद्यपगमे, और उन सभी में एक जाति को स्वीकार कर भी लोगे तो तद भेदे पि तद अंगीकारे,
ज्ञान का उस विषय के साथ भेद में भी वो ये धर्म मानोगे कि नहीं? तेषु एक जात्यादि, उनमें एक जात्यादि को स्वीकार कर भी लिया जाए तद भेदे पि तद अंगीकारे, उसके साथ उनका भेद में भी उस धर्म को स्वीकार कर लोगे परस्पर आश्रय आश्रय भाव प्रसंगात, अन्य आश्रय दोष आ जाएगा। इस भेदगत धर्म को जानने के लिए विषय भेद जानना जरूरी है, विशेष धर्म के अधीन होकर के ज्ञानगत भेद के धर्म भी स्वीकार करना पड़ेगा, तो अन्य आश्रय दोष से आप बच नहीं सकोगे। कहता था धर्म या जाति अवश्य मान्य होगी, उस जाति में भी भेद मानेंगे, उस भेद में उस जाति को भी मानोगे, जाति में भेद और भेद में जाति, जाति में भेद होने से भेदक ज्ञान होगा, भेद में भी जाति होने से भेदक ज्ञान होता है। यदि जाति ज्ञान कैसे होगा? यदि भेदों में जाति ना हो तो जाति ज्ञान नहीं हो सकता, और जाति में भेद ना हो तो भेदक ज्ञान नहीं हो सकता। तो अनेन शर्त स्पष्ट ही है। किंच घटत्वादि भेदत्वे अवधिभूत पटत्वादि सापेक्ष प्रतिपत्तिकतायाम, देखो यदि घटत्वादि को भेद मान भी लो मैं, लेकिन वह घटत्वादि जो भेद रूप है उसको पटत्वादि का ज्ञान घटत्वादि रूप जो अवधि उसकी अपेक्षा से होगी कि नहीं? पटत्वादि का ज्ञान घटत्वावधि सापेक्ष है भेदज्ञ लिए, और पटत्व ज्ञान के लिए जैसे घटत्वादि अपेक्षा हुआ तो घटत्व के लिए पटत्वावधि की अपेक्षा है, तब तो परस्पर भेद होगा। अन्योन्य भाव नाम रख रहे हो, परस्पर भेद नाम रख रहे हो, तो यही बने एक दूसरे की अपेक्षा है, एक दूसरे की अपेक्षा होनी तो अन्योन्याश्रय दोष है, इसे कभी भी अन्योन्य भाव सिद्ध ही नहीं कर पाओगे, अन्योन्य भाव से बच ही नहीं सकते, अन्योन्य भाव कैसे सिद्ध करोगे? जहाँ भी अन्योन्य अभाव कहोगे वह अन्योन्य आश्रय भी आ जाएगा ना। वही कह रहे हैं कि घटत्व पटत्व से आप, क्योंकि तो घटत्व को जैसा पटत्व की अपेक्षा है तो पटत्व से आप घटत्व की अपेक्षा हो जाएगा, भेद रूप से भेदावधि प्रतिपत्ति से अपेक्षतया, वो भी भेदावधि प्रतिपत्ति की अपेक्षा करेगा, अवधेश घटत्वादित्व, अवधि कौन होगा उसके लिए? घटत्वादी हो जाएगा। पटत्व के लिए यथा घटत्वावधि है, घटत्व के लिए पटत्वावधि हो जाएगा, परस्पर सापेक्ष हो जाएगा अवधि का निश्चय करने में ही। अतएव घटत्वादि प्रतीति अपेक्षायाम अन्योन्य आश्रित प्रसंग, घटत्वादि प्रतीति की अपेक्षा में अन्योन्याश्रय दोष तो प्रसक्त होगा ही। भेद स्वरूपत्व घटत्वादि अवधि अपेक्षा न तो स्वरूप मात्र प्रतिपत्तो, पूर्व पक्ष कहता ऐसा है घटत्वादि को जिस काल में हम भेद रूप मानेंगे उस समय हमें पटत्वादि की अपेक्षा है, लेकिन मुझे केवल घटत्व जाति का ज्ञान करना है, भेद रूप से नहीं जानना है, घटत्व भेद रूप है ऐसा नहीं जानना, केवल घटत्व को जानना है, वहाँ पटत्व की अपेक्षा नहीं है, निष्प्रतिक ज्ञान होता है ना। वो कहता है इसीलिए स्वरूप मात्र की प्रतिपत्ति मुझे अन्य किसी की अपेक्षा नहीं है, न तो स्वरूप मात्र प्रतिपत्त भेद स्वरूपत्व, किंतु घटत्वादि को भेद रूप में जब मानना चाहूँगा तब अवधि की अपेक्षा, और एक ही में अनेक इस प्रकार की सब प्रतियोगिता निष्प्रतियोगिता सापेक्षता निरपेक्षता आ सकता है, जैसे पहले भी आप लोगों को बताया अयम देवदत्त निष्प्रतियोगिक है निरपेक्ष अन्य की, लेकिन अयम देवदत्त चैत्र से पिता जब कहूँगा वहाँ पितृत्वादि की अपेक्षा रहती है, सापेक्ष हो गया वो देवदत्त चैत्र पितृत्व सापेक्ष हो जाता है। एक ही में किस प्रकार का मुझे ज्ञान प्राप्त करना है उसके ऊपर निर्भर होता है कहाँ सापेक्ष है कहाँ निरपेक्ष है। अयम घट ज्ञान के लिए तो कोई अपेक्षा नहीं, रूपी घट कहूँगा तो रूप अपेक्षा हो गया, अभाव तक मत जाओ भाव में ही आप देख सकते हैं, इस तरह से अभाव में समझिए घटत्व भेद रूप भी है और घटत्व केवल भाव रूप भी है, घटत्व केवल भाव रूप से मैं देखना चाहता हूँ वहाँ किसी की अपेक्षा नहीं, और घटत्व जो अन्योन्य भाव रूपी भेद रूप से मैं जानना चाह रहा हूँ उस समय उनको अपेक्षा हो गया। अतएव आप अगर घटत्व को जानने के लिए पटत्व अपेक्षा, पटत्व को जानने के लिए घटत्व अपेक्षा, ये कहाँ से दोष दे रहे हो, अन्योन्याश्रय दोष दे रहे हो ना आप, ये कैसे दे रहे हो, ये दे नहीं सकते। जब मुझे घटत्व को भेद में देखना चाहता हूँ तब पटत्व की अपेक्षा है, लेकिन जब घटत्व भेद में देखना चाहूँगा उसे पटत्व भेद में ही नहीं देखता,
और जब पटत्व के भेद में देखना चाह रहा हूँ तब वह घटत्व की अपेक्षा रहेगी। जब घटत्व को भेद रूप से मैं देखना चाहता हूँ वह पटत्व स्वरूप न ज्ञान हो रहा है, भेद रूप नहीं। और पटत्व जब भेद में जान रहा हूँ तब घटत्व क्या है, स्वरूप मात्र जान रहा हूँ। अतएव इन दोनों में भी भेद देखने के लिए एक कालावच्छेद न दोनों में भेद हम नहीं देख सकते, एक देशावच्छेद दोनों में भेद परस्पर देख नहीं सकते। अतएव जाति को भेद मानने में कोई दोष आएगा नहीं, ये पूर्व पक्ष कहता है। क्योंकि एक जगह सापेक्षता क्या है, वहाँ भेद रूपेण सापेक्ष नहीं है, केवल स्वरूप रूप से सापेक्षता है। घटत्व भेद रूप है, इसको अनुभव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पटत्व की अपेक्षा, मैंने पटत्व जाति के स्वरूप की अपेक्षा है, पटत्व को भेद रूपण अपेक्षा नहीं करूँगा। और जब पटत्व को भेद रूपण में देखना चाह रहा हूँ उस समय घटत्व का स्वरूप अपेक्षा करूँगा, भेद रूपण अपेक्षा नहीं करूँगा। अतएव घटत्व जो है प्रतियोगिता पटत्व में भेद और पटत्व प्रतियोगिता घटत्व में भेद क्रमशः हो जाएगा। क्या स्वयं ही घट पटो भिन्नो कह करके गड़बड़ कर दिए, हमने दोनों को प्रधानता दे तो द्विवचन कैसे आया, नाना मुख्य विशेष हो गए ना, ये भी मुख्य वो भी मुख्य है, भिन्न भिन्न हो गए दो, तभी द्विवचन आया है, नहीं तो व्याकरणकार द्विवचन ला ही नहीं सकते। इसीलिए द्विवचन लाने से वह भेद सिद्ध हो गया, चिंता नहीं हमें। इसीलिए अति आपको कहना पड़ता है घट पटो न पंची मत बोलो, और घट पटो भी मत बोलो, घटा पटो न, यह व्यवस्था कैसे दोगे, दोनों प्रतिमात रखो और निषेध बीच में डाल दो, अपेक्षा होगी तो परस्पर घटा पटो न पटो घटा न, यही अर्थ हो जाता है उसका वैपरीत्य में, वहां एक दूसरे से अपेक्षा हो जाएगी। पंचमी भी अपेक्षा नहीं है, द्विवचन कर्म में भी अपेक्षा नहीं रहेगी एक दूसरे को, स्वतंत्र दो पदार्थ मान के ही अब द्विवचन कर रहे हैं, निद्विवचन कैसे आए बताओ। व्याकरण क्या द्वेक और द्विवचन एक वचन है, पदार्थ का द्वित्व की अपेक्षा होगी तो ही तो द्विवचन आएगा, इसलिए समूह आलमन ज्ञान का दृष्टांत नहीं बना सकते, न पंचमी सापेक्ष ज्ञान को नहीं ले सकते। और एक ही तरफ पंचमी है दूसरा प्रथमांत है, वहाँ भी ये जो व्यवस्था है उसके आधार पर दे रहा है, इसे हम दोष देंगे आप घट पटोन हो जाए, दोनों प्रथमांत है। स्वर्ण मात्र न च अवधित्व तत्कुत इति चेत न, इसे स्वरूप मात्र से उसका अवधि बना लूंगा, अपटत्व भेद रूप हो जाएगा, घटत्व क्या है स्वरूप मात्र अवधि हो गया पटत्व में भेद के लिए, और जब घटत्व भेद देखूंगा तब पटत्व स्वरूप मात्र में अवधि हो जाएगा। स्वरूप और भेद तो भिन्न चीज हो गई, इसे परस्पर सापेक्ष होने पर कोई दोष नहीं आएगा, दोनों भेद रूप होता और दोनों की अपेक्षा आपस में करोगे तब तो निर्णय शर्त दोष आएगा। इस जन्म भेद रूपत्ता यदि तस्य स्वात्मैव तदा स्वर्पमात्र प्रतिपत्तो नावद्य अपेक्षित शून्यम वचनम, तो सिद्धांत कहता है देखो घटत्व का स्वरूप ही भेद है तो यह कथन कि स्वर्पमात्र की प्रतिपत्ति के काल में अवधि की अपेक्षा नहीं है ये भी कहना परस्पर विरोध हो गया, अयुक्त है, व्याघात दोष आ रहा है। एक तरह कहते हैं घटत्व स्वरूपत ही भेद है, यह आपने कह दिया, अदर में क्या कर रहे हो, घटत्व स्वरूप अलग है, घटत्व भेद रूप अलग है, घटत्व को मैं भेद रूपण देखूंगा अवधि की अपेक्षा है, घटत्व को स्वरूप देखूंगा अवधि की अपेक्षा नहीं है, ये आपने कहा ना, ये कैसे कह सकते हो स्वरूप ही जब भेद है, घटत्व का स्वरूप ही भेद है या नहीं पूछो उससे, घटत्व जो जाति है यह स्वरूपत ही भेद है या नहीं। यदि स्वरूपत ही भेद है व्यावर्तक होने के कारण से स्वरूपत ही भेद है तो स्वरूप ग्रहण करने में अपेक्षा नहीं है, भेद को ग्रहण करने में अपेक्षा कैसे करते हो, स्वरूप और भेद भिन्न चीज है ही नहीं ना, कि घटत्व स्वरूप ही जब भेद है तो घटत्व स्वरूप ग्रहण करना और घटत्व को भेद पर ग्रहण करने में अंतर कहाँ रह गया। इसे स्वरूपात्मक जब भेद है उसको ग्रहण करने की अपेक्षा नहीं है स्वरूप ग्रहण करने में, ऐसे कहना आपका अनुचित हो गया, व्यर्थ वचन हो जाता है। स्वरूपात्र की प्रतिपत्ति के काल में अवधि की अपेक्षा नहीं होती है, यह युक्ति शून्य हो गया क्योंकि स्वरूप ही भेद है। अतः भेद को यदि ग्रहण करने के लिए हमें अवधि की अपेक्षा है तो स्वरूप को ग्रहण करने के लिए भी हमें अवधि की अपेक्षा है, क्योंकि स्वरूप ही भेद है, बिना ही नहीं।
नावधि अपेक्षित शून्यम वचनम। अतः धर्मांतरम यदि कहोगे घटत्वादिष्ट अन्य धर्म ही है, फिर लौटाओ जहाँ घटत्व को ही भेद मानने में आपत्ति आ रहा है तो हटाओ, घटत्व में भेद नाम का अलग चीज मान लो। यदि ऐसा कहोगे तथा स एव भेद वस्तु, फिर जो धर्मांतर है उसको भेद मानो, फिर घटत्व को क्यों कह रहे हो धर्म? किं कृतम तद्वत्तया घटत्वादिर भेद रूपता, से तारस धर्म वाला होकर घटत्वादि को भी भेद रूप मानने की क्या आवश्यकता है? किं कृतम प्रक्रिया कल्पनया, एतस प्रक्रिया कल्पना से क्या लाभ होगा बताओ? मैंने कुछ भी लाभ नहीं। अस्तु सैव धर्मांतरम भेद चेत, ठीक है पूर्व पक्षी कहेगा वही धर्मांतर है, कोई भेद मान लो, हम जाति को भेद नहीं मानेंगे फिर। ये चेत दूषित्वात् तो वह नहीं कह सकते, क्योंकि अन्योन्याश्रय दोष होने से वह पूर्व में ही दूषित हो चुका है। अन्योन्याश्रय दोष से वह पहले ही दूषित हो गया। भाई भेद घटत्वादि में रहने वाला जो धर्म विशेष हो अमरीका, वो धर्म विशेष को इस घटत्व से भेद जाना कि नहीं जाना? भेद जान रहे हो, माने वो जो धर्म विशेष का नाम आपने कहा था भेद, उस भेद का भी घटत्वादि के साथ आपने भेद ग्रहण किया, वह भेद जिसको ग्रहण कर रहे हो उस भेद में है या नहीं? यदि भेद या अभेद वह भेद भिन्न है तो अनुनाशर दोष, अभिन्न है तो ग्रहण कैसे करेगा? पूर्वोक्त सारे दोष वैसे के वैसे आ जाएंगे, बच नहीं सकोगे। अथापि स्वरूपादि त्रयम इदम भेद, यदि कहोगे ऐसा है वो तीनों आत्मक भेद है। हमने शुरू में क्या किया था, स्वरूप अन्योन्य भाव अन्य देव धर्म कहा था, ये तीनों मिलकर के नाम भेद कहो। केवल स्वरूप मात्र भेद नहीं, केवल अन्योन्य भाव का नाम भेद नहीं, अन्य धर्म मात्र का नाम भेद नहीं, किंतु स्वरूपादि त्रयम, स्वरूपादि तीनों मिलकर के जो होगा उसका नाम भेद है। इदम भेद इति कथम संगच्छते, इन वो भी कैसे संगति बैठ सकता है भाई? जब तक आप तीनों में एक अनुगत भेदत्व रूप अनुगत धर्म ना माने ये कैसे हो सकता? तीनों मिलके भेद है, तीनों में एक अनुगत धर्म मानना पड़ेगा ना। एक अनुगत धर्म नहीं मानोगे तीनों मिलकर के एकत्व भाव कैसे करोगे? यदि कथित कथम संगच्छते तद व्यवहार से एकाकार से नाना निमित्तत्व गोत्वादि अनुगताकार प्रतीतिरपि कथम एक निमित्तत्व सिद्धौ प्रामाण्यम व्यभिचारात्। क्योंकि जो तद व्यवहार से एकाकार से नाना निमित्तत्व अयम भेद, एक वचन प्रकरण एकाकार भेद अनुभूति हो रही है, और एकाकार भेद की अनुभूति में तीन निमित्त अपने माना, कहीं स्वरूप कहीं अन्योन्य भाव कहीं अन्य एव धर्म करके नाना निमित्त वाले को लेकर के भी एकत्व व्यवहार करने लगोगे, फिर गोत्वादि मानने की जरूरत क्या? अलग अलग निमित्त को मान करके अयंगोहु व्यवहार हो जाएगा, अयंगोहु व्यवहार हो जाएगा, अयंगोहु इत्याकर के एकत्व व्यवहार जो है गोत्व जाति के कारण से क्यों मानो? भावी अनेक निमित्त से हो जाएगा एकाकार व्यवहार, जाति मानने की जरूरत नहीं रह जाएगी, आपत्ति फिर खड़ा हो गया। हाँ सब चीजें वही समझा रहे हैं कि भाई ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि गोत्वादि अनुगताकार प्रतीतिरपि कथम एक निमित्तत्व सिद्धौ, एक निमित्त की सिद्धि होने पर कथम प्रामाण्यम, कैसे प्रामाण्यता मान सकते हो? अभी एकाकार वृत्ति के लिए नाना निमित्त कैसे मान सकते हो? यदि गोत्वादि की एकाकार प्रतीति के लिए एक ही निमित्त होता है मानते हो, इस यहाँ पर भी भेद की एकाकार प्रतीति के लिए एक ही निमित्त मानना पड़ेगा, नाना निमित्त कैसे मान सकते हो? यदि मानोगे उसे प्रामाण्यता कैसे आएगा? प्रामाण्यता का विचार नहीं होगा। कहीं कह रहे हो एकाकार प्रतीति के लिए एक निमित्त होना चाहिए, कहीं कह रहे हो एकाकार प्रतीति के लिए अनेक निमित्त संभव है। ये जो व्यवस्था एकाकार प्रतीति के लिए एक निमित्त तत्व या अनेक निमित्त तत्व कौन सा प्रामाणिक है बताओ? प्रामाण्यता का व्यविचार हो जाएगा। वही तो प्रामाण्यम व्यविचारात् सामान्य विशेष रेव पर सामान्य बुद्धि व्यवहार उपपत्तो तत्कल्पन अनुपपत्तेश्च। इतना ही नहीं, इसी प्रकार कहते गोत्व अश्वत्वादि सकल अपर जातियों में भी सामान्य है नहीं, एक विशेष जाति अपने माना गया सत्ता, लेकिन जाति में सत्ता नहीं मानते हो आप, द्रव्यगुण कर्म मानते हो। गोत्व अश्वत्वादि जातियों में भी सत्ता मानते हो क्या?
इन गोत्तों में सत्प्रयोग होता है, क्योंकि सामने अधिकरण व्यवहार हो गया बोलते हुआ। गोत गौ में है और गौ में सत्ता है, गोत्व और सत्ता दोनों एक गौनिष्ठ होने के नाते गो सत्य व्यवहार हो गया, गोत्व सत्य व्यवहार हो जाएगा साम्राधिकरण संबंध से। ये कहता है वो, तो इत्यादि अनुगत प्रतीति का निर्वाह हो जाने से द्रव्यत्व प्रजाति और इसी प्रकार से द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व पर एक सामान्य सत्ता रूपी जाति इत्यादि अनुगत प्रतीति के लिए आप जो मान रहे हो भेद का सत्तर पर सामान्य का स्वीकार व्यर्थ हो जाएगा। एक गोत्वादि जाति मानना पड़ा अनेक गौओं की एक तत्व व्यवहार करने के लिए, और गौ अश्वादियों में एक द्रव्यत्व जाति मानना पड़ा, पशुत्व जाति मानना पड़ा, अनेक मशों में मनुष्यत्व जाति मानते हो, उन द्रव्यत्व द्रव्यादियों में भी एक सत्ता मानते हो द्रुण कर्म तीनों में, और द्रुण सामान्य सबके साथ साथ पदार्थ पदार्थत्व मानते हो, मानने की क्या जरूरत है? एक अनुगत निमित्त मानने की अपेक्षा नहीं रह जाएगी। यथा भेद में अनेक निमित्त होने पर भी एकत्वार हो गया, सप्त पदार्थों में अनेक निमित्त होने पर भी पदार्थत्व एकत्व व्यवहार हो जाए, पदार्थत्व जाति मानने की क्या जरूरत है आपको? सत्ता जाति मानने की क्या जरूरत है आपको? नहीं, व्यापक जातियों को मानने की आवश्यकता नहीं, व्यापी जातियों से ही अनेक निमित्तों को लेकर के भेद व्यवहार हो जाएगा। इसीलिए एक प्रकार प्रतीति में एक ही निमित्त होना चाहिए, इसे प्रमाण ही नहीं रह जाएगा, व्यभिचार हो जाएगा, ये इनका कारण।